हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पुरानी वीडियो में जो है बहुत प्रकार के मास्क का रिव्यू देखा है, डेमो देखा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो है हम पहली बार ऐसे मास्क का रिव्यू कर रहे हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ओडर भी है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की स्मेल भी नहीं आएगी और काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथ है। ये देखिए, बहुत लाइट इन वेट भी है और इतना पतला है कि आपके जो चेहरे पर है आपको ज़्यादा पहनने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हम पुराने या दूसरे ब्रांड के मास्क दिखाएं तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि भारी होते हैं और आजकल जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो कहर है बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और हमें जैसे पब्लिक प्लेस में जाना पड़ता है, शॉपिंग में जाना पड़ता है, मॉल्स में जाना पड़ता है, तो मास्क जो है आजकल एक प्रकार की एक लाइफ की नेसेसिटी हो गई है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है और आउट ऑफ स्टॉक जितने भी फेमस ब्रांड है वो लोकल मार्केट हो या ऑनलाइन अमेज़न से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये एक प्रकार का यूके से मंगवाना पड़ेगा। तो हमें जो ये सैंपल भेजा है क्राफ्ट कैडेंस यूके ने, और ये जो ब्रांड जो है इस मास्क का जो है नाम जो है अगर आप देखेंगे ये जो है एरोबैक का है। ये आपको अमेज़ॉन या ईबाई या फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेगा। इसकी जो सबसे खासियत है कि इसमें जो है फ्रेंड एक प्रकार की एंटी बैक्टीरियल लेयर है जो कि एक प्रकार की स्वेडिश टेक्नोलॉजी पर बेस है, पॉलीजेनी है, तो हम थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे प्रॉपर। तो ये देखिए, इसमें जो है थ्री लेयर है और जो इनर लेयर है वो बनी हुई है सॉफ्ट ब्रीथेबल यानी कि सांस लेने में हेल्पफुल सिल्वर ऑइंटेटेड फैब्रिक की। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो अगर आपको हम अपना पुराना मास्क दिखाएं, आप ये देखिए, तो हमारा मास्क जो है हमने एक हफ्ते लगातार पहना है और इसका क्या हाल हो गया है। और कई बार तो फ्रेंड्स इतना पसीना आता है, आप कह सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली स्मेल बनने लगती है और बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है। तो हमारा मानना है कि मास्क जो है एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी ओडर हो, यानी कि किसी प्रकार की उसमें स्मेल ना आए, किसी प्रकार की बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ ना हो, उससे बढ़िया मास्क नहीं हो सकता। तो इसका जो प्राइस जो है आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मंगवा सकते हैं। तो हम वीडियो के नीचे जो है लिंक डाल देंगे, आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, क्राफ्ट कैडेंस है .com। तो इस मास्क का जो प्राइस जो है $17 है। और अगर आप एक दूसरा हमारे पास है फैब्रिक वाटर रिपेलिंग मास्क, तो फ्रेंड जिस हॉस्पिटल में आप कह सकते हैं अगर आपको जो है हर हफ्ते 3 सर्जिकल मास्क दिए जाते हैं, जैसे ये हमारे पास मास्क है, हमारे पास अभी प्रॉपर सैंपल नहीं है, तो इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ को कह सकते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए जो है इसके अंदर आप सर्जिकल मास्क डाल सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि इंडियन जो मास्क होते हैं सर्जिकल मास्क वो इसमें घुसने चाहिए। तो इसका जो प्राइस जो है अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो टेस्का का जो प्राइस जो है फ्रेंड्स $16 के आसपास है। और इसमें आप चाहो तो फ्रेंड्स PM2.5 फिल्टर भी इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा बेहतर मास्क बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम बात करते हैं इसकी डिटेल में, इसकी जो फंक्शन है फ्रेंड्स, इनर लेयर जो है आपकी जो एरोबिक जो हमारा मास्क है उसमें जो है हमने जैसे आपको बताया था कि सॉफ्ट एंड ब्रीथेबल सिल्वर ऑइंटेटेड फैब्रिक है, जबकि मिडल में जो है फ्रेंड्स नॉन वोबन फैब्रिक है विद द गुड माइक्रोबियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, यानी कि मिडल में जो है किसी प्रकार की जो इसकी अंदर की लेयर है, बीच की लेयर है, इसमें किसी प्रकार की जो माइक्रोबियल्स है या बैक्टीरिया है या वायरस है वो मिडल लेयर से जो है इसको पार नहीं कर पाएंगे, जबकि आउटर लेयर जो है फ्रेंड इसकी आप देखोगे वाटर रिप्लेलेंट है, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट किया गया है। जो इसकी बाहर की लेयर है अगर इसके ऊपर पानी भी पड़ती है या हमारा पसीना आता है तो कोशिश करती है कि उसको रिपेल करे यानी कि दूर फेंके, या इसके साथ जो है फ्रेंड्स आपको एंटी बैक्टीरियल एक प्रकार की लेयर भी है जिससे कि इसके ऊपर किसी प्रकार की
वायरस या बैक्टीरिया की ग्रो ना हो। सबसे अच्छी बात जो है फ्रेंड हमें जो लगती है, बहुत ही पतला है, बहुत स्मूथ है। अगर आप ये देखिए इतना सॉफ्ट है, क्योंकि हम जो है कम से कम 3-4 दिन से मास्क पहन रहे हैं और हमारा जो है सांस लेना मुश्किल हो गया है। कान जो जिस कान पर लगते हैं तो उसमें दर्द होना शुरू हो गया है। तो लोग जो हैं एक हफ्ता पहनेंगे, 10 दिन पहनेंगे और फिर सारे मास्क उतार देंगे। तो हमारा मानना है कि आप जो है इस मास्क को जरूर एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ा बहुत ओवर प्राइस जरूर है, कॉस्टली जरूर होता है, क्योंकि इंडिया में जो है आपको कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी $20 के आसपास, ₹1600 के आसपास आपको लग जाएगा। तो $16 और $16 कस्टम ड्यूटी आप कह सकते हैं, तो आपके पास आपको जो है अराउंड $30 का पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप चाहो तो इन मास्क को जो है इंडिया में बल्क में इंपोर्ट करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो हम जो है सेलर का ईमेल आईडी वीडियो की डिटेल में डाल देंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप चाहो तो यूके से जो है इनके द्वारा जो है स्पोर्ट्स मास्क को भी मंगवा सकते हैं। अभी ये हमारे पास सैंपल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको मंगवाने की। तो ये वाला जो मास्क जो है फ्रेंड्स ये $26 का है, ये तो शायद आपको नहीं मिलेगा। जबकि ये वाला जो मास्क है आप ये देखिए, स्ट्राइड मास्क है, N95 एंटी पोल्यूशन ब्रीथेबल रनर फेस मास्क, ये आपको $24 के आसपास प्लस में $20 के आसपास कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम इसका कंपैरिजन दूसरे ब्रांड के मास्क के साथ करें जो कि इंडिया में मिल रहे हैं, तो ये देखिए हमने जो है ये आप इसकी क्वालिटी देखिए, एरोपेक, ये हमारा MI का है, तो MI का आपको ₹150 के आसपास मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा लाइट जरूर है, बट जो इसकी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी में आप अंतर देख सकते हैं। फिर जो है ये हमारा डिटोल का N95 मास्क है, तो ये बल्की जरूर है और थोड़ा सा टाइट जरूर लगेगा आपको। और ये हमारा जो है फिर डिटोल का सिटी मास्क है, तो ये भी देखिए ये भी बहुत भारी है, बड़ा है। तो मास्क जो है हमारी कंपनी से रिक्वेस्ट है, चाहे जो भी आप मास्क बना रहे हैं, आप ऐसे मतलब फीचर्स डालें कि पहनने वाले को सांस लेने में आसानी हो, किसी प्रकार की स्मेल ना पैदा हो, और तीसरा वाटर रिपेलेंट हो, यानी कि वाटर को रिपेल करे, फेंके, जो भी आप कह सकते हैं, और चौथा लाइट इनवेट हो, यानी कि आपके कानों में अगर 3-4 घंटे हम लगातार डालते हैं तो हमारे कानों में या गर्दन में दर्द होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें बहुत पसंद आई है। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा जो आज का क्विक रिव्यू था, एरोपिक एंटी पोल्यूशन कह सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ओडरलेस 3-लेयर मास्क, जबकि जो हमारा दूसरा जो है एक प्रकार का सर्जन के लिए है। आप इसमें चाहो तो N95 फिल्टर डाल सकते हैं, और अगर आपका जो सर्जिकल मास्क है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मास्क है नहीं, वो आप इसमें डालकर उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अबाउट, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि भैया ये मेड इन चाइना तो नहीं है, तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट जो है मेड इन ताइवान है, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि भारत में जो है मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी थोड़ी कह सकते हैं कि बायकॉट हो रहा है। तो ये सारे मास्क जो हैं मेड इन ताइवान है, और ये आपको इंडिया में सिर्फ आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं क्राफ्ट कैडेंस UK के द्वारा, क्योंकि ये अमेज़ॉन, ईबाय, फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स साइट में आपको नहीं मिल रहा है। धन्यवाद।